वन मिनट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिनांक 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे, वो भी एक मिनट में। तो दोस्तों, हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बांबू दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में टेनिस प्लेयर फ्रॉम स्विट्जरलैंड रॉजर फेडरर जी ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर और दुनिया का एकमात्र शहर होगा जहां हर व्यक्ति का डिजिटल एड्रेस होगा, वह भारत का पहला शहर, वह इंदौर शहर होगा। और दोस्तों, हाल ही में कश्मीर की मानसबल झील पर भारतीय नेवी ने नेशनल कैडेट कॉप्स के प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए अभी 33 साल बाद मानसबल झील को पुनर्जीवित किया। हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडिया परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। और दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट 2022 के अनुसार गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हाल ही में एंग्लो के प्रेसिडेंट के रूप में जोआओ लोरेंका जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की पहली महिला ऊंट सवार टुकड़ी को तैनात किया गया है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान जी को UAE की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। तो दोस्तों, यह थे 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो भी एक मिनट में। धन्यवाद दोस्तों।